अरे भाई, क्या हो गया? कितना उदास क्यों है तू? हाँ भाई, कुछ बात हुई हो तो बता दे। अबे हम है किस दिन के लिए आखिर? यार तुम लोग नहीं समझोगे यार। समझाएगा तो समझेंगे ना, मुंह में दही जमा के बैठा है। अबे चूतिए, लड़की जैसे नखरे क्यों दिखा रहा है? बताना क्या बात है भाई। मैं ना वर्मा सर का सर फोड़ दूंगा। ओह नो। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अबे यार, जब देखो जहां देखो कोने बुला के मार देता है। छी छी छी, और तू मरवा लेता है भाई। वर्मा तो है ही ठरकी, पर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं क्या ही कहूँ, सब तो कह दिया इसने। अबे तुम साले चूतियो हो क्या? मैं थप्पड़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अबे हम भी तो थप्पड़ की बात कर रहे थे, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे यार, इस वर्मा का कुछ करो, मैं थक चुका हूँ मरवाते मरवाते थप्पड़। अबे सुन भाई, मेरे पास ना एक बहुत ही बेहतरीन पैंतरा है। बता। भाई सुन, क्यों ना हम स्नाइपर को हायर करके वर्मा को गोली पड़वा दें? ओ भाई, मेरी ना एक जवान गर्लफ्रेंड है, मुझे ना उसे दूर तिहाड़ में नहीं रहना। भोसड़ी है, थोड़ा कम फिल्म में देखा कर, ये तो आतंकवादी बन जाएगा। भाई कुछ अच्छा लाइट बजट फ्रेंडली पैंतरा बताओ। भाई मुझ पे ना ये बहुत बढ़िया आइडिया आया है, और ये आइडिया तुम सबको बहुत पसंद आएगा। क्या? भाई सुबह सुबह वर्मा ना छत पे सिगरेट पीने आता है, पीछे से जाएंगे, बोरी में भरेंगे और कूट देंगे। अबे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे वाह, ये बढ़िया गुरु, ये कर सकते हैं। सुबह सुबह बड़े जोश में। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे आज किसकी फिल्म बना रहे हो? अरे यार तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अरे बताओ तो सही, आखिर कौन बेचारा तुम लोगों के गुस्से का शिकार बन गया? अरे यार इसको क्यों जानना यार। देखो सिस्टर, बात ऐसी है कि आज का शुभ मुहूर्त हमारे प्यारे वर्मा जी के लिए है, हैं? मतलब? मतलब कि इस बोरे में वर्मा सर हैं। पापा, पापा? अरे पापा नहीं, पापी हैं। साले ने नाक में दम करके रखा है। अरे पापा है वो मेरे। वर्मा सर इसके पापा है। अरे पापा ही बुलवा दिए, भागो। भाई तेरी कसम फेल हो जाऊंगा, प्लीज बता दे। अरे भाई अपना पढ़कर आया कर। देख मुझे गुस्सा मत दिला, बोल रहा हूँ दिखा दे अपने पेपर। समीर भाई मुझे खुद कुछ नहीं आना, देख अभी तक मैंने बस नाम लिखा है इस पेपर पर। हे भगवान, क्या चूतिए दोस्त मिले हैं। क्या है यार, पेपर दिखा दे प्लीज। पकड़े जाएंगे भाई, टीचर बाहर निकाल देगा। अरे वो मैगजीन पढ़ने में बिजी है यार, तू अपना दिखा देना प्लीज। सुन यस से पूछ ले, उसे सब कुछ आता है। क्यों तुझे नहीं आता? नहीं बस रोल नंबर लिखा है। सुन पंडित से मुहूर्त निकलवा के थोड़ा जहर खा लियो। मैं? हाँ भाई तू, तू ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है, तुझे तेरी माँ की कसम। पुलिस पेपर दिखा दे, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे भाई इतना परेशान क्यों है, मेरे पास फर्रे हैं, रुक ये ले, ये ले, और
ये भी ले। भाई तू ये कहाँ से लेकर आया? भाई मुझे ना एक्सपीरियंस है 2 साल का। मतलब? अरे मतलब छोड़ना, पेपर कर ले, टाइम वैसे भी कम बचा है। थैंक यू भाई, भगवान तेरा भला करे, तुझे 11 बच्चे दे। अबे साले ये दुआ है या बद्दुआ है? अरे ब्रो यार मेरे को कुछ नहीं आता था, सर ने जान मुझ को इतना टफ पेपर रखा था, यू नो। सही कह रही है बहन, मैंने भी 20 नंबर का किया है, उसमें भी पता नहीं क्या आया। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि समीर की कंपनी छोड़ दो, तुम दोनों को ही घुसना है, अब फेल तो होना ही है। सही कह रही है बहन, कंपनी तो बदलनी पड़ेगी। और तू सोनिया, तुझे कुछ समझ आ रहा है? तेरे स्कूल की फीस तेरे पापा भरते हैं, ना कि वो समीर। तेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे ले। हाँ यार ट्रू। और क्या ले भाई? और समीर कैसा रहा तेरा एग्जाम? झकास। तुम बोलो तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? अच्छा ठीक था। चल ये बता, क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन? शेक्सपियर का दूसरा नाम न्यूटन है क्या? अबे साले। भाई समीर आज फिजिक्स का एग्जाम था। नहीं सच में? लेकिन अभी यार यश ने तो मुझे इंग्लिश के फर्रे दे दिए थे। यश भाई 2 साल से वो एक ही क्लास रिपीट कर रहा है। भाई मुझे ना एक्सपीरियंस है 2 साल का। और बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर? बहुत बोरिंग था यार। मैं तो सोच रही थी कब खत्म होगा। वही क्लास, वही सारे लड़के, वही टीचर्स की बैंड बजाने के काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है यार, हमारी क्लास में कुछ लड़के अच्छे भी हैं। अच्छे लड़के? वो कहाँ से मिले? अच्छे लड़के वो कहाँ होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे सारे लड़के बाहियात लगते हैं। ऐसा नहीं है यार, कुछ लड़के नेक भी होते हैं जो सबका अच्छा करना जानते हैं। मैंने तो नहीं देखे ऐसे लड़के। हाँ यार आज्ञा, तू भी ना कभी कभार बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। तुम लोगों की बातों से लगता है कि लड़कों का कुछ फायदा ही नहीं है। सुन तू किसी को पसंद पसंद तो नहीं करने लगी है ना? क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं ना तभी उसकी साइड लेते। ऐसा नहीं है यार। अब आया ना वो पहाड़ के नीचे, चल दस। कौन है वो? ऋतिक। ऋतिक? हाँ हाँ, मतलब ठीक है, डिसेंट है वो लड़का। बेटर है। मंडी बाजार लगा रखा है। भाई तू मेरी सुन। हाँ तू बोलना। भाई लड़की ना बड़ी कोमल चीज होती है, उसे प्यार से पहले आंखें तो मिलाओ, मन की बात कहो, प्यारा सा गिफ्ट दो, बस लड़की हुई तुम्हारी। है जी कद्दू मेरा, ऐसी तो हो रही है लड़कियां से। अबे चुप, तेरी बंदी है? नहीं मेरी है, तो उसे मेरी सुनने दे, ज्यादा चाचा चौधरी मत बन। ओए तेरे पैतरे पर चल तो रहा हूँ, अगर उसने मना कर दिया ना तो 4 बंदों का इंतजाम करके रखियो। भाई ये 4 बंदों का क्या कॉन्सेप्ट है? अबे लोलू ललित, अर्थी को 4 ही लोग कंधा देते हैं। अरे जाना यार भाई। कुछ लिखा था मैंने आपके लिए। हाँ पढ़ो। जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, ना भूल पाएंगे उस हंसी लम्हे को जब आप हमारी जिंदगी में शामिल हुए। आ गया, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? यस। Thank you.
आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इन सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, पूरा दिन अपना मेहनत करके शूट में लगाया है, फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं सेलिब्रिटी फेस के साथ, तो ढेर सारा प्यार सपोर्ट करना और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत है। और आप जैसे जो बच्चे घर में बैठे हैं, आप भी चाहते हैं सेलिब्रिटी फेस में आए, स्कूल के बेस्ट डेज का हिस्सा बने, तो नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉन्टेक्ट करिए और बहुत जल्दी आपको हम मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस में। और इनकी जर्नी की शुरुआत आज हो रही है सेलिब्रिटी फेस के साथ, तो ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच गाइस।